नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। दिग्विजय सिंह धार जिले के मनावर पहुंचे। मनावर में पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, सबसे समन्वय बैठाने की कोशिश की, लेकिन समन्वय बैठा या नहीं बैठा यह तो बातचीत हुई है, लेकिन पता बाद में लगेगा। अब दिग्विजय सिंह मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होने पर मीडिया के द्वारा सवालों के बाउंसर फेंके गए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उन बाउंसरों का बहुत ही सहज और सरल तरीके से सामना किया और बहुत सुलझे हुए तरीके से जवाब दिया। देखिए सवाल और जवाब दिग्विजय सिंह के। किसी को भी दे दो, स्थानीय चाहिए हमको, स्थानीय आपसे और मनोहर में विधायक बने हमारा। आज लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है क्या? मजदूर परेशान है, उसे काम नहीं मिल रहा। और अलावा जी ने जिस प्रकार से जिनकी जमीन बड़े बड़े उद्योगपति ले रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी सदैव लड़ाई है। अच्छा, अलावा जी का सपना था कि आदिवासियों की सरकार होगी, आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, तो यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? ऐसा है, मुख्यमंत्री चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलता है तो विधायक दल तय करता है, लेकिन निश्चित तौर पर आदिवासी की सरकार होगी, क्योंकि आदिवासियों का हित ही कांग्रेस का हित है। अच्छा, दूसरा एक बात ये थी कि हीरालाल ने जयस के मंच से कई बार कहा है कि 70 सालों में आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है, उस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, मंच से ये बात अलावा जी ने कही है तो अलावा जी इसका उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भारतीय संविधान कांग्रेस ने दिया,